सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। राजपुरा शहर में एक बार फिर से बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। यहां के पटेल स्कूल के बाहर से दो मोटरसाइकिल सवार लुटेरे एक व्यक्ति से 2,40,000 रुपए की नकदी छीनकर फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजपुरा के नजदीक गांव ढीडसा के रहने वाले सरदार सुरिंदर सिंह आज सुबह बैंक से 2,40,000 रुपए की नकदी निकलवा कर पटेल स्कूल में अपने बेटे परमजीत, जो यहां पर अध्यापक लगा हुआ है, उसे मिलने आए थे। जब वह स्कूल के नजदीक पहुंचे तो पीछे से दो मोटरसाइकिल सवार जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे, इनसे उक्त 2,40,000 रुपए नकदी वाला बैग छीनकर मौके से फरार हो गए। मौके पर मौजूद सरदार सुरिंदर सिंह ने न्यूज 89 को पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि छोटा था ये। अच्छा जी, हाँ जी, होगी 2,40,000। इतने अपने मुंडे नु देना है, जो मुंडा इतने मार्ट लगे पर मिलने आए थे ਉੱਥੋਂ CBI ਤੋਂ SBI ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਲਏ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾਇਆ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆ ਸੀ ਬੈਗ ਉਹ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਆਏ, ਇੱਕ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੋਨਾ ਸੀ, ਝਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਭੱਜ ਗਏ। अब इस लूट की घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच तो कर रही है, मगर रोजाना हो रही लूटपाट की घटनाओं से शहर निवासी काफी दहशत के माहौल में हैं। पुलिस को चाहिए कि ऐसी लूट की घटनाएं आगे से ना हो, उस और खास ध्यान रखें। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, दिनेश सचदेवा, न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।